मैकेनिक्स में इंपैक्ट ऑफ जेट को हम देख रहे हैं और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फोर्स एग्जर्टेड ऑन मूविंग प्लेट। प्लेट हमारा जो है वो मूव कर रहा है। प्लेट क्या हो रहा है, वो मूव कर रहा है। अभी तक जो हम लोग देखे थे वो प्लेट फिक्स था, प्लेट मूव नहीं कर रहा था, लेकिन अभी का जो केस है उसमें ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेट है वो भी साथ में मूव कर रहा है, साथ में मूव कर रहा है। और ये जो आपका जेट है, जेट जो है वो स्ट्राइक कर रहा है कैसे, नॉर्मल टू दी प्लेट के नॉर्मल में जाकर के स्ट्राइक कर रहा है, प्लेट के नॉर्मल में जाकर के स्ट्राइक कर रहा है। तो ये कंडीशन देख रहे हैं, इसमें जो भी है वो सपोज कह रहे हैं अगर वाटर स्ट्राइक कर रहा है तो वाटर जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है इस प्लेट को, वो वेलोसिटी क्या है, भी यानी कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट है। एब्सोल्यूट के बाद वेलोसिटी ऑफ जेट, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट। और ए जो है ये क्रॉस सेक्शन है, मतलब जितना एरिया में, जितना डायमीटर में ये जेट निकल रहा है उसका जो क्रॉस सेक्शन है, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो हमारा क्या है, ए, स्मॉलर ए। यू क्या है हमारा, वेलोसिटी ऑफ द फ्लैट प्लेट। अब ये जो प्लेट आगे की तरफ मूव कर रहा है, आगे की तरफ जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो वेलोसिटी हमारा क्या है, यू। वो वेलोसिटी क्या है हमारा, यू। यू जो वेलोसिटी है वो इस प्लेट का, इस प्लेट की वेलोसिटी, जिस स्पीड से वो आगे जा रहा है उसकी वेलोसिटी है यू, ठीक है। और वी वेलोसिटी जो है वो हमारा है जेट का वेलोसिटी, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है हमारा दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए क्या हो गया, v हमारा जेट का वेलोसिटी और u प्लेट का वेलोसिटी, डिफरेंस करके आ गया v माइनस u। अब मास फ्लो रेट जो है, तो जो एक्चुअल में जो जेट से टकरा रहा है वेलोसिटी, टकराने वक्त जो एक्चुअल वेलोसिटी वो क्या रहा है, v माइनस u। मास फ्लो रेट डेंसिटी गुणे एरिया गुणे वेलोसिटी हम जानते हैं, डेंसिटी रो एरिया a और v माइनस u जो है एक्चुअल वेलोसिटी जिससे लगातार वो टकरा रहा है। अब x डायरेक्शन में जो फोर्स हॉरिजॉन्टली ये नॉर्मली टकरा रहा है, नॉर्मल डायरेक्शन में भी इसको कह सकते हैं, नॉर्मल डायरेक्शन में जो फोर्स जेट के कारण इस प्लेट पे एक्ट हो रहा है वो क्या है, m डॉट डेल्टा v है, चेंज इन वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। तो ये तो m डॉट रो a v माइनस ऊपर से आया है, और जब टकराते वक्त कितना वेलोसिटी था, v माइनस u। टकराने के बाद क्या हो गया कि ये जो भी अगर हम वाटर देखें, वाटर ऊपर चला गया चाहे नीचे चला गया, आगे की तरफ वाटर का नहीं है तो वो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो। तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया, ये फाइनल चेंज इन वेलोसिटी हो गया, v माइनस u माइनस जीरो। तो जो हमारा फोर्स हो गया इस डायरेक्शन में वो क्या हो गया, रो ए v माइनस u का फोर्स। अब हम बताए हैं कि लास्ट का जितना भी फिक्स केसेस था उसमें ये था कि u जीरो रहता था, उसी कारण से पावर डेवलप क्या होता था, जीरो हो जाता। लेकिन यहाँ पे हम बताए हैं जो प्लेट है वो फिक्स नहीं है, वो भी एक यू वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा है, तो उस केस में जो पावर डेवलप हो रहा है वो फोर्स गुणे जो वेलोसिटी है उस प्लेट की। तो फोर्स कितना है, रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर इनटू यू हो गया। ये एक्सप्रेशन हो गया पावर का हॉरिजॉन्टल केस के।